Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon. चोरी सीना चोरी, ऐसा ही मामला दिल्ली के रिजोकरी गांव पाड़ी का है, जहां पर भोला उनकी पत्नी शमशान घाट की जगह में एक छोटी सी झुग्गी बनाकर रहते हैं। वहां का ही रहने वाला एक व्यक्ति सुबह 4 बजे के आसपास झुग्गी की कुंडी खोलकर झुग्गी के अंदर गया और चोरी करने लगा। इसी बीच भोला व उनकी पत्नी की आँख खुल गई, इसलिए उस व्यक्ति ने उन्हें जागा देख भाग खड़ा हुआ और कुछ कैश व सामान लेकर भाग गया। भोला ने 100 नंबर पर कॉल किया, 100 नंबर गाड़ी आई, उन्होंने उन्हें थाने में एफआईआर करने को कहा। मगर जब भोला व उनकी पत्नी बसंत कुंज थाने गए तो पुलिस वालों ने उन्हें ही गाली गलौज और मारपीट की और भगा दिया। सुनते हैं भोला और उनकी पत्नी का क्या कहना। क्या नाम है आपका? श्री भोला शर्मा। भोला शर्मा जी, आप यहीं रहते हो? जी सर। कितने साल से रहते हो? 30 साल से रहता हूँ। 30 साल से यहीं पे आप परमानेंट रहते हो? बच्चे? बच्चे मेरा यहीं पे रहता है। यहीं रहते हो? जी सर। तो क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ में हुआ जी कि मेरे हाथ में अपने सोए हुए थे जी, और उसके बाद 4 बजे भोर में हम सोए हुए बाल बच्चे लेके, वो आया चांदी नाम का एक लड़का, वो हमारे साथ में जहाँ से ऊपर से कुंडी खोल के और हमारे घर में घुस गए, सामान सारी निकाल लिए। हमने उसके बाद जैकी से जब मैं सोया हुआ हूँ हमको पता नहीं है। उसके बाद जब पंखा का जब प्लास लगा के जब तार काटा है तो तार एक्सपायर किया, उसके बाद मैं उठ के खड़ा हो गया। मैं देखा तो बीच घर में घुसा हुआ है। तब तक मैं उसे पूछा जी कि तुम किस लिए घुसा, तो बोला कि मैं इसे पानी पीने के नाम से घुसा, मैंने पानी पीना था तो मुझे बुला लेता, आवाज़ देता। तो किस टाइम का है ये? ये 4 बजे सुबह में हुआ सर। सुबह 4 बजे में हुआ? सुबह 4 बजे कौन किसी के घर में पानी पीने नहीं आता? तो क्या उससे कोई रंजिश है? जी नहीं, हम उससे रंजिश, जैसे ये यहाँ पे ये मकान झुग्गी जो बना रखी इसका कुछ विरोध करता है वो? इसका विरोध यही है सर जी कि मैं तो कोई कुछ करता नहीं, यहाँ पे एक लकड़ी उकड़ी बेच के अपना जीवन बिता रहा हूँ। उसके बाद जो है सी मानने की जो कि कोई भी आदमी हमारे बुरे ढंग के यहाँ पे पुलिस दरोगा जितने भी है, कम से कम 10 बार मेरे पास छापामारी कर दिया है, कोई कुछ बरामद नहीं हुआ। और मैं हाथ जोड़ कर हर मैसा करता हूँ, हे प्रभु। रात आपने कोई 100 नंबर पर कंप्लेंट की? 4 बजे सुबह में किया है। मैं तो साढ़े चार बज रहा था उस समय सुबह में। यहाँ जिप्सी आया, उसने सलाह दिया हमारे जे कि जाके थाना में कंप्लेंट करो, जो भी कुछ किया है बोल देना, तुम्हें न्याय मिलेगा। तो मैं कंप्लेंट की? जी सर। कंप्लेंट करने गया तो हमें यहाँ से गाली गलौज करते करते थाना पुलिस बुला, थाना बुला लिया। उसके बाद वहाँ गया हो तो मेरे साथ में दुर्व्यवहार, जो वे 100 नंबर वाले आए थे वे गाली गलौज कर रहे थे? नहीं, 100 नंबर सर वो तो भगवान के रूप में मुझे बात किया, लेकिन और तीन आदमी थाने वाले आए, तीन आदमी मिलकर हमें थाना में जाके मार पीट के दंगा फसा, कितने दाम का गाली दिया उसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है। यानी कि मारपीट की एफआईआर की जगह? जी, हमको कोई एफआईआर नहीं लिखा, वो लिखवा लिया, मुझे पता नहीं, साइन करवा लिया, बोला साइन कर, मैंने साइन कर दिया हूँ। उसके आप पे धमका के पीट के आप पे साइन करा दिया? जी सर। जी आंटी, क्या हुआ रात को आपके यहाँ? रात देखिए सर, आया था वो गेट खोल दिया था, हाँ गेट खोल दिया था। आज जब हम बोला अंदर क्यों घुस गया, तो बोला कैसे मैं पानी पीने के लिए घुस रहा था। तो आप कितने दिन से यहाँ पे रह रहे हैं? हम करीब 30 साल से रहते हैं। क्या काम करते हैं? काम यही शमशान घाट के लिए लकड़ी को रखते हैं जी, वही बेचते उचते हैं, बुरा बुरी रहते हैं, खाते हैं। पहले भी कोई ऐसी घटना हुई? हाँ, और 2-3 बार वो करा था तो मैं छोड़ दिया था, वही लड़का। हाँ, उसकी कभी कंप्लेंट की आपने? नहीं, कंप्लेंट नहीं करा था, मैं छोड़ दिया। मैं सोचा बालक है, सुधर जाएगा, कभी फिर दोबारा मौका ना मिले सुधरने का, इसलिए हमने आज तक कोई उसके लिए कंप्लेंट नहीं किया। तो अभी आप क्या चाह रहे? जैसे आपने बताया कि पुलिस ने भी थाने में बुला कर बदतमीजी आप लोगों के साथ। हाँ, जी। हम तो यही कहते हैं कि ऐसे ऐसे कानून का रखवाले के हमें बॉर्डर पे जरूरत है, यदि शरीफ नहीं बन सकता है तो कम से कम हमें बदमाश तो मत बनाए। हाँ, आप बताइए कि हमें एक एक आदमी के ऊपर में इतना प्रहार हो रहा है जो उसका कोई अंत नहीं है, हमारा धरती कौन बचाएगा? नहीं, हमारा समाज बिगड़ जाएगा तो मैं किसके भरोसे जीऊँ? यानी कि आप एक गुहार लगा रहे कि जो पुलिस वालों ने बदतमीजी की और आपकी एफआईआर नहीं करवाई, और आपको मेरे पास में एक नहीं 100 केस है, थक्का खक्का कर मैं मर गया, लेकिन कहीं हमको कोई रहम नहीं मिल रहा, राय नहीं मिल रहा। यानी कि बार बार आपके ऊपर आरोप लगाए जा रहे।
मैं किसी को एक चिट्ठी तक भी कुछ भी करने के राजी नहीं हूँ। उसके बाद पूरे गांव बदनाम, ये भोला यूं हूँ भोला हूँ, आज बुलाइए पूरे गांव का, यदि कैसे भोला हमारे यहाँ एक किसी बच्चा गाली दिया है तो मेरे फांसी दे देना, लेकिन मैं जिंदगी नहीं चाहता, मैं मर जाऊंगा इस बल। जैसे रात आपके यहाँ चोरी हुई जी, तो उसमें क्या क्या सामान आपका उठा? सामान उठा है सर जी कि मेरा से 10,000 रुपया जेब से निकल गया, कपड़े बिखरा हुआ, और उसके बाद जो है कि से मैंने वो मोबाइल चोरी हो गया, उसके बाद जो है से क्या कहते हैं शिखर गुटखा का से पैकेट निकल गया, पेप्सी के 4 को 5 को बोतल था वो निकल गया। तो कितने का नुकसान आपका हुआ? निकल नुकसान तो आपने कैसे बताया जी, कि कितने का सामान होगा? 5-10 हज़ार का? और नहीं सर देखिए झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है, 14-15 हज़ार रुपये का सामान मेरा निकला है। आपकी चोरी हुई जी सर, तो जैसे पता चला पुलिस वालों ने उस बंदे को उठाया तो कुछ रिकवरी हुई? जी नहीं कुछ नहीं, हमारे पास में क्या होगा कि दोबारा आपके पास पुलिस वाले का फोन आया हो? दोबारा फोन में थाने में बुलाने की, दोबारा PCR वाले आए थे, वो PCR पहले PCR वाले आए, उसके बाद जाके से मैंने सिविल ड्रेस में जाती है वो जीप जाए सफ़ेद गाड़ी में, उसमें आके जो है उसको ले गया उठा के, हमारे बोला थाने में आ जाओ। तो आप गए थे थाने में? जी सर। तो क्या बोले वहाँ पर? गए तो हमारे ऊपर उल्टा आरोप लगा दिया, तू गांजा बेचता है, तू गंजेरी है, तू ये है वो है, दुनिया का जो आपके पैसे चोरी हुए थे जी, उसके अलावा उल्टा आरोप आप पे मेरे ऊपर लगा दिया कि तू कुछ झूठ बोल रहा है, तुम ये है तुम वो है, फ्रॉड है, और हमारे ऊपर में से और मारने पीटने की धमकी दे, बोला बुढ़ा नहीं होगा तो तू अभी यहीं लुड़का देता है, ये सब धमकी दे रहा था पुलिस वाले ने। अंकल ये कौन से थाने में आप गए? बसंत कुंज थाने में सर। बसंत कुंज थाने में ये बदतमीजी हुई आप लोग? जी सर। तो कोई सुनवाई नहीं हो रही? कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम उमाकांत राय है। उमाकांत राय जी आप एक NGO भी चलाते हैं, तो आपके NGO का क्या नाम है? NGO का नाम है पेट फाउंडेशन, और ये जो है मुख्यतः जो है मानव अधिकारों की रक्षा के लिए काम करता है, और ये मुंबई बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, और ज़्यादातर जो है विकलांग गरीब इन लोगों के लिए काम करता है, रोज़गार और शिक्षा रोज़गार में सुधार लाना भारत में, ये हमारा मेनली जो है काम है उद्देश्य। जैसे मैं देख रहा भोला जी का जो मकान है वहाँ पे आए हुए इनके, जैसे इन्होंने बताया कि रात कोई बंदा इनके घर में घुस गया था, चोरी हुई थी, शायद आपकी NGO और आप भी यहाँ पे इनको सपोर्ट करने आए? नहीं बिल्कुल, हम पेट फाउंडेशन के तरफ से हम इनको बिल्कुल जो संभव हर संभव कोशिश है हम करेंगे, और पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये एक बुज़ुर्ग आदमी है, और इनके जो इनका जो पत्नी है वो आंटी जी जो है वो भी बुज़ुर्ग है, तो इनको थाने में जिस तरह से दिल्ली पुलिस के तरफ से बसंत कुंज थाने में जिस तरह से इनके प्रति बिहेव किया गया है वो बहुत ही निराशाजनक है, और दिल्ली पुलिस का इतना नाम है लेकिन उनके साथ जो व्यवहार किया गया है वो बहुत ही मतलब जिसको कहते हैं कि अपना कि गरीबों की कहीं सुनवाई नहीं, नहीं गरीबों की कोई सुनवाई नहीं है। और दूसरी बात ये है कि इनको ये एक उम्मीद से गए थे दिल्ली पुलिस के पास कि इनको न्याय मिलेगा, इनको न्याय तो पाना दूर की बात है, बल्कि इनको गाली और मार दे के उनको भगा दिया गया, ये बहुत ही निंदनीय बात है। और हमारे जो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर साहब है मिस्टर अमूल्य पटनायक, वो अमूल्य पटनायक जी को इसके बारे में ध्यान देना पड़ेगा एक्चुअली कि इनके जो सबऑर्डिनेट्स है वो कैसे काम कर रहे हैं क्या है, क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उनका शायद कुछ नियंत्रण नहीं है, इसके चलते जो है कुछ भी बिहेवियर करते हैं, और भविष्य में ऐसा ना हो इसके लिए हम जरूर मतलब जो है इसका उम्मीद रखते हैं, और इस बात को जो है हम मंत्रालय तक भी पहुंचाएंगे, गृह मंत्रालय तक पहुंचाएंगे, अगर अभी जो है ये इनिशियल लेवल पे कोई मतलब एक्टिविटी नहीं होता, हाँ एक्शन नहीं होता है, कोई एक्टिविटी नहीं होता है, तो इसको जरूर हम गृह मंत्रालय तक पहुंचाएंगे, क्योंकि दिल्ली पुलिस जो है ये भारत सरकार के अधीन में आता है, भारत सरकार का जो गृह विभाग है उसके अधीन में आता है, तो हम तो यही उम्मीद करेंगे कि भाई भारत जैसा गणतांत्रिक राष्ट्र में अगर गरीब आदमी जो है अगर कुछ कमाने खाने के लिए जैसे गांव छोड़ के आते हैं तो इनके प्रति तो न्याय होना चाहिए, और हम यही उम्मीद करेंगे कि भाई ये जो है ये इनके थाने में जैसे बिहेव किया गया तो आगे में किसी के साथ ऐसा बिहेव ना हो। धन्यवाद। आजाद तोमर की रिपोर्ट, हर खबर दिल्ली। लाइक शेयर एंड कमेंट। टू सब्सक्राइब दिस चैनल प्लीज प्रेस द बेल आइकन।